सो गाइज, आप लोगों की डिमांड पे एक और वीडियो आ चुकी है 150cc बाइक्स के बारे में, जो कि अपकमिंग बाइक्स है वो 2020 की। तो 2020 में आपको ये बाइक्स देखने को मिल सकती है, जिनका कि बिल्कुल कंफर्म है कि 2020 में आएंगी, बिकॉज ये सारी बाइक्स लास्ट टाइम ऑटो एक्सपो में दिखाई गई थी, वहाँ पे शोकेस की गई थी। तो ये बाइक्स है जो बिल्कुल कंफर्म है कि हाँ 2020 में लॉन्च होने वाली है। तो इन्हीं बाइक्स के बारे में बात करेंगे। ये मत बोलना कि ये बाइक आपने लास्ट वीडियो में ही बताई थी, बिकॉज तब मैंने जल्दबाजी में हर चीज़ नहीं बताई थी बाइक के बारे में। तो यहाँ पे आपको ज्यादातर आपको इन्फॉर्मेशन दे दूंगा मैं उस बाइक के बारे में। तो वीडियो को स्टार्टिंग से एंड तक जरूर देखना, ताकि आपको सारी इन्फॉर्मेशन मिल जाए। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो गाइस, सबसे पहले हमारे पास आती है एप्रिलिया RS 150। मेरे को काफी इंतजार था, आप लोगों को भी काफी इंतजार था। मेरे को पता है काफी बंदे, मतलब 1 ईयर से भी ज़्यादा टाइम हो गया होगा उनको वेट करते करते, लेकिन बाइक का कोई अता पता नहीं था। लेकिन यहाँ पे इसका कंफर्म हो चुका है, जनवरी 2020 में आपको देखने को मिल सकती है इंडियन मार्केट में। तो यहाँ पे आपको 150cc का सिंगल सिलेंडर 4-स्ट्रोक BS6 F5 लिक्विड कूल्ड इंजन देखने को मिल सकता है। उसी के साथ साथ पावर काफ़ी अच्छी मिलने वाली है, 18 BHP की, एंड यहाँ पे 14 Nm का टॉर्क मिलने वाला है। 6-स्पीड गेयरबॉक्स मिलने वाला है, जो कि इसकी स्मूथनेस काफ़ी ज़्यादा बढ़ा देगा। एंड डायरेक्ट कंप्लीट करने वाली ये बाइक R15 V3 से, R15 V3 को टक्कर देने वाले, बिकॉज उसकी प्राइस काफ़ी ज़्यादा चली गई है, मतलब R15 V3 की काफ़ी प्राइस हो गई है, एंड इसकी प्राइस है वो उससे थोड़ी सी कम ही होने वाली है। तो उस वजह से R15 को टक्कर देने वाली ये बाइक। तो इसकी जो माइलेज होने वाली है वो होने वाली है 40+। यहाँ पे आपको ड्यूल चैनल ABS देखने को मिल सकता है, एंड यहाँ पे आपको 145+ इजीली स्पीड भी देखने को मिल सकती है। 145 इसकी कंपनी क्लेम करती है, जो कि R15 की करती है 135 कुछ। तो यहाँ पे आपको R15 से ज़्यादा देखने को मिल जाए, बट मेरे को नहीं लगता कि ज़्यादा स्पीड जाएगी। R15 V3 टॉप एंड में विनर है, लेकिन यहाँ पे आपको इनिशियल पिकअप एप्रिलिया RS 150 में ज़्यादा देखने को मिल सकता है। सो इस बाइक में आपको फुली डिजिटल मीटर कंसोल मिलने वाला है, उसी के साथ साथ आपको 17 इंचेस के अलॉय व्हील्स मिलने वाले हैं, एंड यहाँ पे आपको रियर में एल्यूमिनियम स्विंग आर्म भी देखने को मिल सकता है। तो बाइक काफ़ी अच्छी हो सकती है आपके लिए 150 के सेगमेंट में, तो इसके लिए भी वेट कर सकते हैं। मेरे को पता है काफ़ी सारे बंदे वेट कर रहे हैं, वो बोलेंगे कि भाई मेरे को 1 ईयर होगी वेट करते करते, लेकिन बाइक नहीं आई। तो मैं आपको बता दूँ, कन्फर्म बता दिया मैंने आपको, जनवरी 2020 में आपको देखने को मिल सकती है बाइक। तो इसके लिए वेट करो, काफ़ी दिनों से आप वेट कर रहे हैं, तो अभी भी वेट कर लीजिए। तो बात करें यहाँ पे इसके एक्सपेक्टेड प्राइस के बारे में, तो यहाँ पे आपको 1.40 लाख इसका एक शोरूम देखने को मिल सकता है, जो कि जाएगा 1.60 लाख तक इसका ऑन रोड। तो बात करें यहाँ पे सेकंड बाइक जो कि आने वाली हमारे पास यामा की तरफ से, यामा XSR 150। तो इसका भी बिल्कुल कन्फर्म हो चुका है, इसका जो लॉन्च एक्सपेक्ट कर रहे हैं वो है मई 2020। उसी के साथ साथ यामा अपनी MT-15 का भी एक नया मॉडल लेके आने वाली है। तो बात करूँ यहाँ पे इस बाइक के बारे में, तो यहाँ पे आपको वही सेम MT-15 R15 वाला इंजन मिलने वाला है, जो कि होने वाला है 155cc का सिंगल सिलेंडर 4-स्ट्रोक BS6 F5 लिक्विड गोल्ड इंजन मिलने वाला है। 6-स्पीड गेयरबॉक्स मिलने वाला है आपको इस बाइक में, जो कि काफ़ी अच्छी स्मूथनेस देने वाला है। बात करूँ यहाँ पे पावर, तो यहाँ पे आपको 19.3 BHP की पावर मिलने वाली है, एंड 14.7 Nm का टॉर्क मिलने वाला है। 145+ इजीली आपको टॉप स्पीड देखने को मिल जाएगी। रेट्रो स्टाइल लुक होने वाला बाइक का बिल्कुल, जो कि अपने आप में काफ़ी अच्छा लग रहा है। आज तक की मतलब जितनी भी बाइक्स आई है हमारी रेट्रो स्टाइल में, उनसे काफ़ी अच्छा लग रहा है। बात करूँ माइलेज, तो यहाँ पे आपको 40+ माइलेज आपको इस बाइक में देखने को मिल जाएगी। उसी के साथ साथ आपको फुली डिजिटल मीटर कंसोल मिलने वाला है, एंड रियर में आपको एल्यूमिनियम स्विंग आर्म भी मिलने वाला है। ड्यूअल चैनल ABS मिलने वाला बाइक में, आपको हर जगह LED लाइट्स मिलने वाली है, फ्रंट में भी इंडिकेटर्स भी LED मिलने वाले, एंड आपको यहाँ पे रियर में भी टेल लाइट LED मिलने वाली है। तो काफ़ी अच्छी बाइक होने वाली है अपने सेगमेंट में। तो बात करूँ इसकी एक्सपेक्टेड प्राइस, तो यहाँ पे आपको 1.35 लाख इसका एक्सशोरूम प्राइस देखने को मिल सकता है, जो कि जाएगा 1.50 लाख तक, यदि 1.35 लाख में लॉन्च होती है तो। तो काफी अच्छा ऑप्शन हो सकता है आपके लिए, यदि आप एक रेट्रो स्टाइल बाइक्स पसंद करते हैं तो। तो वेट कर लीजिए इसके लिए भी, ये बिल्कुल कंफर्म है कि हाँ इंडिया में 2020 में लॉन्च हो जाएगी। बात करूँ यहाँ पे थर्ड बाइक, जो कि MT-15 का फेसलिफ्ट मॉडल, जिसमें आपको काफ़ी सारे चेंजेस देखने को मिल सकते हैं, जैसे कि यहाँ पे आपको न्यू कलर्स देखने को मिल सकते हैं, उसी के साथ साथ आपको BS6 इंजन देखने को मिल सकता है, एंड यहाँ पे पब्लिक की डिमांड पे ड्यूअल चैनल ABS भी देखने को मिलेगा, एंड यहाँ पे एल्यूमिनियम स्विंग आर्म भी देखने को मिल सकता है। लेकिन प्राइस जो है फिर वो R15 के बराबर पहुँच जाएगी, अभी भी बराबर ही है लगभग, लेकिन फिर बिल्कुल ही मतलब मैच कर जाएगी। तो उस वजह से MT-15 का एक नया मॉडल आ रहा है, बिकॉज यहाँ पे पब्लिक की डिमांड थी कि हाँ हमें नए कलर्स चाहिए, डीलर्स कस्टम कलर करके दे रहे थे, तो उस वजह से कंपनी ने सोचा क्यों नहीं इनके कुछ ऑफिशियल कलर ही लॉन्च कर दिए जाए। तो उस वजह से इसमें आपको काफी सारे चेंजेस देखने को मिल सकते हैं। 2020 फरवरी में इसका लॉन्च होने वाला है, तो फरवरी 2020 में इसका एक नया मॉडल आने वाला है, उसके लिए वेट कर सकते हैं आप। तो बाकी बात करें यहाँ पे फोर्थ बाइक जो कि होने वाली है होंडा की तरफ से, CB 150R, जिसका कि कंफर्म हो चुका है मई 2020 में बाइक लॉन्च होने वाली है।
फुल चांसेस के लॉन्च होने के इंडियन मार्केट में, बिकॉज होंडा के पास अभी कोई भी बाइक नहीं है 150 सीसी में जो कि अच्छा परफॉर्म कर रही हो। हॉर्नेट है वो भी कुछ खास नहीं चल रही इनकी, यूनिकॉर्न है उनको तो कोई मतलब उसको तो कोई पूछता ही नहीं आज के टाइम में, तो उसी वजह से होंडा दो बाइक्स लेके आ रही है, CB150R एंड CB125R। तो इन बाइक्स को जल्दी ही इंडियन मार्केट में लेके आने वाली है। तो यहाँ पे आपको 149 सीसी का सिंगल सिलेंडर फोर स्ट्रोक BS6 FI लिक्विड कूल्ड इंजन मिलने वाला है, उसी में आपको 6 स्पीड गियरबॉक्स भी मिलने वाला है। तो यहाँ पे आपको काफी अच्छी परफॉर्मेंस मिलने वाली है बिकॉज यहाँ पे 6 स्पीड गियरबॉक्स मिलने वाला है, वाइब्रेशन के कोई इश्यू नहीं आने वाला बिकॉज यहाँ पे नेकेड बाइक होने वाली है, तो यहाँ पे आपको वाइब्रेशन वगैरह की टेंशन नहीं है। फुली डिजिटल मीटर कंसोल मिलने वाला है आपको इस बाइक में, रेट्रो स्टाइल लुक होने वाला है इस बाइक का भी जो कि आपकी XSR को टक्कर देगी। बात करें यहाँ पे कुछ और स्पेक्स के बारे में, तो यहाँ पे आपको 20 bhp की पावर मिलने वाली जो कि आज तक की मेरी ख्याल से 150 cc में किसी भी बाइक में नहीं आई होगी। हाईएस्ट 19.3 bhp मिलती है जो कि आपको R15 V3 में मिलती है, उससे ज़्यादा 150 cc में किसी में भी नहीं मिलती। तो यहाँ पे हर किसी को टक्कर देगी पावर के मामले में एंड टॉर्क के मामले में भी टक्कर देगी। यहाँ पे आपको 16 न्यूटन मीटर का टॉर्क मिलने वाला है जो कि काफ़ी अच्छा आपको इनिशियल पिकअप देने वाला है। तो यहाँ पे इस बाइक में आपको पावर वाइज कोई भी दिक्कत नहीं आने वाली होंडा CB150R में। एंड यहाँ पे आपको LED हेडलाइट मिल जाती है, उसी के साथ LED टेल लाइट एंड LED इंडिकेटर्स भी मिल जाते हैं जो कि काफ़ी अच्छी आपको ब्राइटनेस दे सकती है। तो बात करें पे माइलेज, तो यहाँ पे आपको 40 प्लस इजिली माइलेज मिल जाएगी, 155 प्लस इजिली टॉप स्पीड आपको देखने को मिल जाएगी, ड्यूअल चैनल ABS देखने को मिलेगा आपको इस बाइक में, उसी के साथ साथ आपको एल्यूमिनियम स्विंग आर्म भी देखने को मिलेगा। तो काफ़ी अच्छी बाइक होने वाली है अपने सेगमेंट में। यदि किसी को एक परफॉर्मेंस बाइक चाहिए जिसमें कि पावर भी ज़्यादा हो और टॉर्क वगैरह मतलब पिकअप भी अच्छा खासा हो, तो वो इसके लिए वेट कर सकते हैं। इसके लिए एक्सपेक्ट कर रहे हैं प्राइस वो है 1.40 lakhs। तो देखते हैं कितने में लॉन्च होती है बाइक। तो इसके लिए यदि कोई आपके डाउट्स है प्लीज़ कमेंट कर लेना, रिप्लाई आपका मिल जाएगा। बात करें अभी फिफ्थ एंड लास्ट बाइक जो कि होने वाली है Aprilia Tuono, तो इस बाइक का भी बिल्कुल कंफर्म है मई 2020 में लॉन्च हो सकती है इंडियन मार्केट में। तो इसमें आपको सेम इंजन मिलने वाला है RS150 वाला, बट काफ़ी सारे बंदे कन्फ्यूज हो गए होंगे कि यार सेम इंजन है तो इनका नाम अलग अलग क्यों है। आपको बता दूं RS जो 150 है उसमें आपको फुल फेयरिंग बाइक मिलती है, मतलब फुल फेयरिंग है वो बाइक, एंड यहाँ पे Tuono जो है वो आपको हाफ फेयरिंग में मिलती है नेकेड स्पोर्ट्स बाइक। तो यहाँ पे आपको डिफरेंस मिलने वाला है, एंड उसी के साथ साथ आपको वही सेम 150 सीसी का सिंगल सेंटर फोर स्ट्रोक BS6 FI लिक्विड कूल्ड इंजन मिलने वाला है। 18 bhp की यहाँ पे आपको पावर देखने को मिल जाएगी, 14 न्यूटन मीटर का टॉर्क मिलने वाला है, एंड यहाँ पे आपको 6 स्पीड गियरबॉक्स भी मिलने वाला है। फुली डिजिटल मीटर कंसोल मिलने वाला है जिसमें ये आपको सारी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी जो कि आज के टाइम में बाइक्स में मिलती है आपको। 40 प्लस माइलेज इजीली मिल जानी चाहिए, 140 प्लस आपको हाई स्पीड भी मिल जाएगी बिकॉज यहाँ पे नेकेड बाइक है तो थोड़ी सी आपको टॉप स्पीड कम देखने को मिल जाए, बाकी फुल फेयरिंग में आपको ज़्यादा टॉप स्पीड देखने को मिलती है जैसे कि R15 V3 और MT15। R15 V3 में आपको ज़्यादा देखने को मिलती है, तो उसी वजह से RS150 में आपको ज़्यादा स्पीड देखने को मिलेगी कंपेयरिंग टू Tuono। तो बात करें यहाँ पे इसके और फीचर्स के बारे में, तो यहाँ पे आपको 17 इंचेस के अलॉय व्हील्स मिलते हैं, उसी के साथ साथ आपको ड्यूअल चैनल ABS भी मिलने वाला है, एंड फ्रंट में आपको USD सस्पेंशन एंड रियर में आपको मोनोशॉक सस्पेंशन मिलने वाले हैं। यहाँ पे बात करूँ इसकी प्राइसिंग जो कि है, एक्सपेक्ट प्राइसिंग जो है इसकी 1.30 lakhs, जो कि थोड़ी सी कम प्राइस हो सकती है कंपेयरिंग टू RS150 बिकॉज RS150 एक फुल फेयरिंग बाइक है, कॉस्ट ज़्यादा आती है उसको बनाने में, तो उस वजह से ये एक हाफ फेयरिंग बाइक है एंड इसमें आपको प्राइसिंग थोड़ी सी कम देखने को मिल सकती है। तो इस बाइक के लिए वेट करना चाहो तो कर सकते हो आप। जो ये सारी बाइक्स मैंने आज की वीडियो में आपको बताई है इनका बिल्कुल कन्फर्म है कि इंडिया में 2020 में आपको देखने को मिल जाएगी। 2020 काफ़ी ज़्यादा स्पेशल होने वाली है हर किसी के लिए बिकॉज यहाँ पे आपको 2019 में ही काफ़ी अच्छी अच्छी बाइक्स देखने को मिल गई, जैसे कि यहाँ पे रिवोल्ट मतलब चेतक वगैरह मतलब काफ़ी सारी बाइक्स लॉन्च हुई है। अभी मैं क्या बताऊँ आपको, बाकी एक बार आप चेक करना कौन कौन सी बाइक लॉन्च हुई है। तो काफ़ी सारी नई नई बाइक्स आपको देखने को मिली है 2020 में, काफ़ी ज़्यादा इलेक्ट्रिक व्हीकल्स आए, तो उसी वजह से 2020 में आप एक्सपेक्ट भी नहीं कर सकते वो बाइक्स आने वाली है जिनका कि शायद मेरे को भी नहीं पता। तो काफ़ी ज़्यादा मतलब स्पेशल होने वाली 2020, तो आप इन सभी बाइक्स के लिए वेट कर सकते हैं बिकॉज जो है वो कंपटीशन काफ़ी ज़्यादा बढ़ता जा रहा है दिन पे दिन, और हर कंपनी मतलब एक कदम आगे सोच के चल रही है। तो मतलब ये सारी कंपनी अपनी इन बाइक्स को लॉन्च करने वाली है 2020 में। तो गाइज वेट कर लो इन सभी बाइक्स के लिए यदि आप इन सभी में से कोई भी बाइक लेने का प्लान कर रहे हैं। तो गाइज़ ये तो कुछ आज की वीडियो में, यदि आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर देना, बाकी यदि आप मेरे व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन करना चाहते हैं तो नीचे मैंने लिंक दे दिया है, डिस्क्रिप्शन में जाके चेक कर लीजिए, वहाँ पे आपको लिंक मिलेगा, जाके ज्वाइन कर लीजिए बिकॉज वहाँ पे काफ़ी सारे बंदे हैं जो कि आपके सारे डाउट्स क्लियर कर सकते हैं। यदि आप कोई बाइक लेने की प्लानिंग कर रहे हो और आपके समझ में नहीं आ रहा कि कौन सी बाइक मैं लूँ, तो वहाँ पे जाके आप इजीली पूछिए उनसे कि कौन सी बाइक लेनी चाहिए या फिर कुछ भी, मतलब वहाँ पे आपके सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे। तो गाइज ये था कुछ आज की वीडियो में, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद वंदे मातरम।